हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का क्रिस प्रशांत जोशी ऑफिशियल चैनल पर। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ मेहंदी का पेस्ट कैसे बनाते हैं और मैं कैसे मेहंदी का पेस्ट बना के अपने पार्लर में लगाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो पहले मैं मेहंदी में जो पानी यूज़ करूँगी वो है चाय पत्ती का पानी। तो यहाँ मैंने आधी गिलास पानी ले लिया था और 2 स्पून चाय पत्ती, उसको मैंने उबाल के अलग साइड में कर दिया। ये मैं मेहंदी लगाने वाली हूँ, गणपति चाप मेहंदी। तो यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है जो कि मैं काफ़ी इसी तवे का यूज़ करती हूँ जब मैं बालों में मेहंदी लगाती हूँ। तो आप भी, आपके घर में लोहे की कोई कढ़ाई नहीं हो तो तवे का यूज़ कर सकते हो, तो मैं ऐसे ही तवे का यूज़ करती हूँ। तो मैंने एक पैकेट 100 ग्राम का ले लिया है और यहाँ पे मैं चाय पत्ती का पानी डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मेहंदी को। हमें ध्यान रखना है मेहंदी का पेस्ट बनाते टाइम ताकि कोई अंदर लम्ब्स ना रहे। इसी तरीके से हम थोड़ा पानी और डाल देंगे। यहाँ पर चाय पत्ती का पानी जो है मैंने मेहंदी के लिए तैयार किया था वो काफ़ी कम पड़ गया है, तो मैं ऊपर से नॉर्मल पानी का भी यूज़ करूँगी, तो आप ऐसा कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा और पानी डाल के अच्छे से मेहंदी को, अब थोड़ा सा मैं नॉर्मल पानी यूज़ करूँगी और हम अच्छे से इसका पेस्ट बना के तैयार कर देंगे। और हमारे मेहंदी में ध्यान रखना कोई लम्ब्स ना रहे, अच्छे से उसका पेस्ट बन के तैयार रहे, इसीलिए मैं फिंगर का यूज़ कर रही हूँ ताकि जो हमारा पेस्ट है वो अच्छा बन के तैयार रहे। और ऐसे ही लोहे के तवे या कढ़ाई पे आप मेहंदी को भिगो सकते हो, काफ़ी अच्छा कलर आता है और हमारे हेयर शाइनिंग होते हैं और काफ़ी अच्छा मेहंदी का रंग आता है। तो देखो, मैंने पेस्ट को अच्छी तरीके से तैयार कर दिया है। आप इसको बाद में भी थोड़ा बहुत गीला कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगे सूखा सूखा तो आप थोड़ा और भी पानी डाल सकते हो। तो इसी तरीके से आपको मेहंदी का पेस्ट तैयार करके 2 घंटे के लिए इसको ढक के रख देना है। तो मैं यहाँ पर 2 घंटे के लिए इसको रख दूँगी। तब तक मैं घर का सारा काम कर देती हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से मैंने पानी डाल दिया है ताकि जो हमारी मेहंदी है वो सूखे नहीं। इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे। अभी ढक्कन लगाने के बाद मैंने आपको जैसे कि बताया 2 घंटे तक आपको इसको रेस्ट पे रखना है और उसके बाद आपको ढक्कन हटा देना है और देखना है कि कैसा, मतलब रंग आता है इसका, कलर आता है। तो अभी मैं ढक्कन हटा के आपको दिखाऊंगी 2 घंटे के बाद। तो आप देख सकते हो मेहंदी के आसपास कितना ब्लैक ब्लैक और अच्छा कलर दिख रहा है। जो मैंने थोड़ा बहुत ऊपर पानी डाला था वो भी रेड हो गया है, तो काफ़ी अच्छा कलर अभी से दिख रहा है। अब हम मेहंदी लगाएंगे बालों में। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के इनको अच्छे से पेस्ट को तैयार कर दूंगी। फिर मैं यहाँ पर आपको मेहंदी लगने के बाद ही मिलती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने मेहंदी लगा दी है, खुद से ही लगाई, तब थोड़ी बहुत सही नहीं लगी है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो ऐसे ही वीडियो मैं बनाती रहूँगी, आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्लीज़ आपके सपोर्ट